बेसिकली किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून उस देश का संविधान होता है। क्या भारत का संविधान भारत का सबसे बड़ा कानून है? हाय गाइस, मैं हूं बासु सैन, एक बार फिर आपका स्वागत है देसी लॉयर चैनल पर। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहां पर आपको ऐसे कानून के बारे में बताने वाला हूं जो हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि संविधान किसे कहते हैं और भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान अज्ञानता से कहीं ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर देश में किसी न किसी प्रकार के संविधान को होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि संविधान देश के संगठन का प्रधान अंग है, यानी संपूर्ण व्यवस्था को चलाने का जरिया है। संविधान के बिना किसी भी देश की कल्पना करना असंभव है। देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान का होना बहुत ही जरूरी होता है। संविधान के अनुसार ही सरकार के अधिकारों को निश्चित किया जाता है और नागरिकों के अधिकार लागू किए जाते हैं। संविधान के बिना देश की व्यवस्था चलाने संबंधित अनेक बातों का स्पष्टीकरण होना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगा। इसके परिणाम यह होगा दोस्तों कि शासन में भ्रष्टाचार यानी करप्शन उत्पन्न हो जाएगा और चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। सरकार तानाशाही रूप से शासन करेगी, वह ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे वह ज्यादा से ज्यादा समय तक शासन अपना देश में बनाए रखे और नागरिकों के कल्याण के लिए जरा भी नहीं सोचेगी। संविधान के अनुसार ही शासन प्रशासन के अधिकारों को निश्चित किया जाता है। बहुत ही कम शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि संविधान नियमों और कानूनों का सर्वश्रेष्ठ विधान है। संविधान दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें देश की संपूर्ण व्यवस्था चलाने के संबंध में नियम होते हैं, और अलिखित संविधान वे संविधान होते हैं जो रूढ़ियों और प्रथाओं और न्यायालयों के निर्णयों के द्वारा बनाए जाते हैं। भारत का संविधान लिखित संविधान है जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश में संविधान के अनुसार ही कानून बनाए जाते हैं। जो कानून संविधान के अनुसार नहीं होते यानी संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें रद्द कर दिया जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करने से पहले अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन्हें जो प्रोविजन जो उपबंध जो बातें उस संविधान में अच्छी लगी उन्हें हमारे संविधान में अपनाया। जैसे हमारे देश में हमारे मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए और संसदीय सरकार ब्रिटिश के संविधान से ली गई, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए और इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कानून भारत का संविधान है और किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून वहां का संविधान होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि संविधान किसे कहते हैं और भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो किसी भी कानून को लेकर तो हमें जरूर बताएं, हम उसका जल्द से जल्द निस्तारण जरूर करेंगे। और हमें इसी तरह अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। मज़हब नहीं सिखाता आपस में।